जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले एल्मोक्स ड्राई सीरम के बारे में। इसको कब कैसा और को इस्तेमाल करना चाहिए, इसको कितने दिन के बच्चों में इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारा जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में और जानकारी प्राप्त कर ले एल्मोक्स सीरम के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि एल्मोक्स सीरम का कंपोजिशन है एमोक्सिसिलिन ओरल सस्पेंशन, जिसमें एमोक्सिसिलिन 125 mg मिला हुआ है। वही इसका ब्रांड है एल्कम कंपनी। एल्कम कंपनी इसको बनाता है और इसको आप लोग अपने बच्चों में कुछ इस प्रकार की समस्याएं होने पर उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि चोट का घाव हो या फिर शरीर में ऑटोमेटिक घाव निकल गया हो, उसको सुखाने के लिए आप लोग आसानी तरीका से इस एल्मोक्स सिरप को उपयोग में ला सकते हैं। बच्चों में अगर घबराहट की समस्याएं हो, ज़्यादा सर्दी खांसी हो या फिर जुकाम हो, उस दौरान भी आप लोग इस एल्मोक्स सिरप को आसानी तरीका से उपयोग में ला सकते हैं। यह एल्मोक्स सिरप एक एंटीबायोटिक सिरप है जिसका काम एक से अधिक काम होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको निमोनिया वाली समस्याओं में आसानी तरीका से उपयोग में ला सकते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, छाती के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप लोग इस एल्मोक्स सिरप को उपयोग में ला सकते हैं। फोरे फुंसी या फिर खुजलाहट वाला घाव हो, उसको सुखाने के लिए भी आप लोग आसानी तरीका से इस एल्मोक्स सिरप को उपयोग में ला सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर फोरे फुंसी खुजलाहट वाला घाव हो तो उसमें तो मलहम लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके साथ इस एल्मोक्स सिरप को आप लोग उपयोग में लाते तो घाव जल्दी सूख जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सूजन कम करने के लिए भी, अगर चोट लग गया किसी बच्चा को और वहाँ पर सूजन आ जाए, तो सूजन को डाउन करने के लिए भी आप लोग इस एल्मोक्स सिरप को उपयोग में ला सकते हैं। अब हम इसके डोज के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका डोज कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस सिरप को 1 साल से लेकर 5 साल या फिर 7 साल तक के बच्चों में उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो सिरप है, इसमें जो ड्रिंक जो दिख रहा है, उस ड्रिंक तक सुसुम पानी अच्छी तरीके से मिला लेना है। यह एक पाउडर है, इसमें जो मिला हुआ है जो पाउडर है, जिसको सुसुम पानी से अच्छी तरीके से घोल लेना है। घोलने के बाद 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे में 1.5 से 2 ml सुबह और शाम उपयोग में लाना चाहिए। वही मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 साल से लेकर 3 साल या फिर 4 साल तक के बच्चे में 4.5 या फिर 5 ml सुबह और शाम डेली यूज में लाना चाहिए। वही 4 साल से लेकर 5 साल या फिर 6 साल 7 साल तक के बच्चे में 5 से 7 ml डेली यूज में लाना चाहिए। अब हम इसके साइड इफेक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका साइड इफेक्ट आप लोगों को ज़्यादातर कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, जैसे कि पेट खराब हो जाएगा या फिर उल्टी होगा या फिर देह हाथ में चकत्ते होगा। अधिकतर बच्चे में देखने को मिला कि इसको इस्तेमाल करने से कभी कभी पेट खराब होने के संभावना हो सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में इस एल्मोक्स सिरप के बारे में, इसका डोज, इसका काम, इसका साइड इफेक्ट आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें सुसुम पानी करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही उपयोग में लाना है। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।